गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा क्लास 11th का चैप्टर चल रहा है डेप्रिशिएशन। ठीक है, हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था डेप्रिशिएशन। आज हम पढ़ेंगे कि मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग, मतलब कि डेप्रिशिएशन में जो मेथड है उनको, मतलब कि मेथड पढ़ेंगे कि रिकॉर्डिंग हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो मेथड वन और मेथड टू, देखो हमें इसमें दो अकाउंटेंट है उनके नज़रिए से सोचना है। ठीक है, तो मान लो हम कोई भी एसेट खरीद रहे हैं, अगर आप कैश में एसेट खरीद रहे हो, मान लो आपने बिल्डिंग खरीदी, तो उसकी जर्नल एंट्री आप कैसे करते हो, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर आप क्रेडिट पे खरीदते हो कोई मशीन, आपने क्रेडिट पे खरीदी, तो क्या जर्नल एंट्री होती थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको कुछ एसेट खरीदते हो और दो अकाउंटेंट है, वे दोनों अकाउंटेंट जो है अपनी अपनी जर्नल एंट्री करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है। तो मेथड वन और मेथड टू, यहाँ पे एक अकाउंटेंट है और एक यहाँ पे अकाउंटेंट है। ठीक है, तो देखो हमने कोई एसेट खरीदी, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या है, एसेट अकाउंट डेबिट 100 रुपीज़ की एसेट है, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, उसी तरह इस अकाउंटेंट ने ये एसेट खरीदी, तो इसने इस तरह जर्नल एंट्री की, इसी तरह वैसे ही एसेट इसने खरीदी, तो इसने भी सेम जर्नल एंट्री जो है की, जैसे कि एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद आपकी नरेशन हुई बींग एसेट्स परचेज, और इसकी भी जो नरेशन है बींग एसेट्स परचेज। उसके बाद इसके ऊपर जो है डेप्रिशिएशन हो जाती है। ठीक है, डेप्रिशिएशन होने पर इन दोनों के नज़रिए जो है वो चेंज हो जाते हैं यहाँ पर आकर। तो देखो जब भी डेप्रिशिएशन होती है तो क्या होता है, डेप्रिशिएशन एक एक्सपेंस है, अगर डेप्रिशिएशन एक एक्सपेंस है तो उसको हम क्या मान रहे हैं कि वो डेबिट में होगी। ठीक है, क्लियर के हिसाब से डेबिट जो है, डेप्रिशिएशन जो एक्सपेंस है, इसलिए इसको हमने डेबिट में किया। तो डेप्रिशिएशन इसने की कि जो ये एक्सपेंस है, ठीक है, तो इसने डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट, जैसे कि 10 रुपये की डेप्रिशिएशन हुई, तो डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट 10 रुपीज़ और डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट 10 रुपीज़, यहाँ आके दोनों के नज़रिए जो है वो चेंज हो जाते हैं। ये कहता है कि मैं एसेट को जो है क्रेडिट करूँगा। ठीक है, ये अकाउंटेंट बोल रहा है कि मैं एसेट को क्रेडिट करूँगा। ये एसेट को क्यों क्रेडिट कर रहा है, ये बोल रहा है अपने नज़रिए से कि एसेट जो है हमारी कम हुई है। ठीक है, एसेट की वैल्यू जो है वो कम हुई है, इसलिए मैं इसको कम कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं एसेट को क्या कर रहा हूँ, क्रेडिट कर रहा हूँ। और ये बोल रहा है कि जो ये बोल रहा है कि यहाँ मेरी लाइबिलिटी जो है वो बढ़ी है। ठीक है, इसके कहने का नज़रिया यहाँ है कि अगर डेप्रिशिएशन हो रही है तो इससे हमारी एसेट की जो वैल्यू है वो कम हो रही है। और ये कह रहा है कि अगर हमारी एसेट की, मतलब कि डेप्रिशिएशन हो रही है, तो उससे हमारी जो लाइबिलिटी है वो बढ़ रही है। तो ये बोलता है कि इसको इसने नया नाम दिया, यहाँ इसने तो एसेट की वैल्यू कम कर दी, तो इसने यहाँ एसेट ही लिख दिया, लेकिन इसने इसकी जो लाइबिलिटी बढ़ी इसने यहाँ पे आके चेंज कर दिया। तो इसको बोला इसने टू प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट 10 रुपीज़। ठीक है, तो इन दोनों में ये दोनों डिफरेंस है मेन। तो इसलिए इस जो फर्स्ट मेथड है इसका नाम यहाँ पे हमारा, इसका नाम यहाँ पर इसका नाम रखा गया कि डेप्रिशिएशन इज चार्ज टू एसेट अकाउंट। ठीक है, और इस दूसरे मेथड का नाम रखा गया डेप्रिशिएशन चार्ज टू प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग जो है इनका नाम रखा गया, मेथड वन का नाम डेप्रिशिएशन इज चार्ज टू एसेट अकाउंट और डेप्रिशिएशन चार्ज टू प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट, ये मेथड टू है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेथड का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो, मेथड वन की जगह डेप्रिशिएशन चार्ज टू एसेट अकाउंट और डेप्रिशिएशन चार्ज टू प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट। ठीक है, थर्ड ट्रांजेक्शन देखो, थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि जो भी डेप्रिशिएशन होती है उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10 रुपीज़ टू डेप्रिशिएशन अकाउंट 10 रुपीज़। उसके बाद इसका भी यही नज़रिया था दूसरे अकाउंटेंट का कि भाई यहाँ भी ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिशिएशन अकाउंट 10 रुपीज़। ठीक है, बस इसमें यही चेंज था जिसके कारण इनका इसका इन दोनों मेथड का जो है ये नाम रखा गया। ठीक है, ये थे मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग कि आप रिकॉर्डिंग कैसे करोगे। अब पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ डेप्रिशिएशन। जो मेथड ऑफ डेप्रिशिएशन है वे टू टाइप के हैं, फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन मेथड और सेकंड है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में जानेंगे कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है। तो देखो स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको हम SLM भी बोल सकते हैं और फिक्स्ड परसेंटेज और ओरिजिनल कॉस्ट और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब इसके
नाम है SLM मेथड के। उसके बाद इन दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, इस मेथड में डेप्रिसिएशन जो है ओरिजिनल कॉस्ट पर, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट पर जो है कैलकुलेट की जाती है। एंड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स सेम, इसमें जो अमाउंट होगा वो सेम होगा डेप्रिसिएशन का। ठीक है, और इसकी मेरिट्स है, इट इज़ ए सिंपल मेथड, ये एक सिंपल मेथड है। एवरी ईयर प्रॉफिट एंड लॉस इज डेबिटेड बाय सेम अमाउंट। ठीक है, डेबिटेड बाय सेम अमाउंट। उसके बाद इसकी कुछ डिमेरिट्स हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम वर्क एफिशिएंसी ऑफ एसेट डिक्रीज एंड रिपेयर एक्सपेंस इंक्रीज। एज ए रिजल्ट इन लेटर ईयर देयर इज मोर लोड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये दोनों पॉइंट जो है, ये पॉइंट मैं आपको कल बताऊंगी कि इसको WDV से जोड़ के जो है इस पॉइंट को हम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सम टाइम इन दिस मेथड द बुक वैल्यू ऑफ एसेट बिकम्स नील। मतलब कि एक समय ऐसा आएगा कि जो आपकी डेप्रिसिएशन जो वैल्यू है वो जितने की आपकी एसेट थी उतनी ही पहुंच जाती है। ठीक है, मान लो 10,000 की एसेट थी तो आपकी जो डेप्रिसिएशन है वो 10,000 ही पहुंच जाती है, तो यहाँ पे आके वो नील हो जाती है, यानी जीरो हो जाती है। ठीक है, तो ये था, सम टाइम इन दिस मेथड द बुक वैल्यू ऑफ एसेट बिकम नील स्टिल द एसेट इज बीइंग यूज्ड इन बिजनेस। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, कैसे निकालोगे आप, तो इसका फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन परसेंटेज में अगर आप निकाल रहे हो तो इसका फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पर एनम इंटू 100 अपॉन में कॉस्ट। ठीक है, तो ये था हमारा मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन में SLM मेथड। ठीक है, SLM मेथड देखो क्या होता है कि मान लो आपने 1,00,000 रुपए की कोई चीज़ फ़ोन खरीदा जैसे। ठीक है, 1,00,000 रुपए का आपने फ़ोन खरीदा, तो ये जो फ़ोन खरीदा तो इसकी जो डेप्रिसिएशन है वो मान लो 10% है हर साल, 3 साल तक इसकी डेप्रिसिएशन आप कैसे काउंट करोगे। देखो 3 साल तक आप इसकी डेप्रिसिएशन, फर्स्ट ईयर में जो है इसकी डेप्रिसिएशन कितनी होगी, 10,000, 1,00,000 पे 10%, तो कितनी हो जाएगी 10,000। तो यहाँ पहले साल 10,000 हुई, ठीक है, फिर दूसरे साल निकालोगे तो दूसरे साल भी 10,000। ठीक है, तीसरे साल अगर आप निकालोगे तो उसकी भी जो है 10,000 आएगी डेप्रिसिएशन, यानी कि इसमें जो है डेप्रिसिएशन देखो रिमेन्स सेम, यानी कि सेम आ रही है। उसके बाद ये आपने ये पॉइंट देखा होगा कि जो है वो डेप्रिसिएशन एक टाइम पे नील हो जाती है। तो आप एक बात बताओ, 1,00,000 की आपका फ़ोन है, ठीक है, अगर आप 10 साल तक 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगाओगे तो वो 1,00,000 की हो जाएगा। ठीक है, जो आपकी डेप्रिसिएशन है वो अभी 1,00,000 की हो जाएगी, तो ये भी 1,00,000 हो गया। ठीक है, और ये डेप्रिसिएशन भी आपकी 1,00,000 हो गई, यानी ये क्या हो गया, नील हो गया, जीरो आ गई। ठीक है, तो ये था हमारा SLM मेथड, इसमें जो है हर साल 10,000 ही आपकी डेप्रिसिएशन रखी जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा SLM मेथड, कल हम पढ़ेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, और ये पॉइंट भी हम कल इसको देख लेंगे कि कैसे है, आज के लिए आप इसको रिटर्न डाउन कर लेना। ठीक है, तो ये थे आज की हमारी क्लास, इसमें हमने पढ़ा मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग और मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन SLM मेथड, कल हम पढ़ेंगे WDV मेथड। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।